रामलीला में काम करने वाले ने थाने के सामने ताला तोड़ कर किया था चोरी। SHO रुदौली ने लिया संज्ञान, चोर को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। रुदौली थाना क्षेत्र से मात्र 200 मीटर की दूरी पर चोर ने तोड़ा था ताला। ताला तोड़ कर चोरों ने लाखों का जेवर नकदी पर किया था हादसा। अधिकारियों ने लिया संज्ञान, मुखबिर की सूचना पर हुआ गिरफ्तार। पति पत्नी बच्चों समेत ससुराल गए वक्त सुनील गुप्ता के घर में चोरी। लौटने पर देखा तो फाटक टूटा, लाखों रुपए का सामान हुआ था चोरी। हनुमानगंज नहर पुलिया के पास से चोरी गए माल के साथ गिरफ्तार। सबरजीत ठाकुर निवासी ग्राम रामघर थाना जिला अयोध्या गिरफ्तार। गिरफ्तारी टीम में SHO चंदन कुमार, SI अजय कुमार भारती, SC दीनानाथ यादव, सुनील दत्त सरोज, ऋषिकेतु सिंह रहे शामिल। सत्येंद्र भूषण तिवारी, CO City प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चोरी का किया खुलासा। जनपद भारतीय पुलिस को बीती रात 9/10/2024 में सूचना प्राप्त हुई थी कि श्री सुनील कुमार गुप्ता, जो कस्बे के रहने वाले थे, वो बसंत पंचमी के अवसर पर अपने रिश्तेदारी में कहीं गए हुए थे। उनके मकान में ताला बंद था, जहाँ किसी चोर द्वारा मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे हुए जो गहने और जेवरात थे और जो गुल्लक में वहाँ रुपया रखा हुआ था, उसको चोरी कर लिया गया। उनकी सूचना पर तत्काल रुधौली पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 210/2024 BNS की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम चोर और जो माल गया हुआ था उसकी बरामदगी के लिए गठित करके लगाई गई। पुलिस टीम द्वारा मात्र 10 घंटे से कम समय अवधि में एक्शन लेते हुए थाना क्षेत्र के हनुमानगंज रोड के पास, जो बस्ती रुधौली मार्ग पर पड़ता है, मैं माल मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए व्यक्ति द्वारा अपना नाम सबरजीत पुत्र शिव प्रसाद निवासी काशीराम कॉलोनी, जो कोतवाली अयोध्या जनपद अयोध्या का रहने वाला है, वो उसके पास से माल की बरामदगी हुई। उसके द्वारा बताया गया कि वो पहले भी यहाँ पर आया हुआ था। मकान में ताला बंद देखकर उसकी नियत खराब हुई और उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस टीम द्वारा यथाशीघ्र इस घटना का अनावरण किया गया और सुसंगत साक्ष्यों का संकलन कर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रचलित कराई जा रही है। SHO कोतवाली श्री चंदन कुमार और उनके पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए मात्र 10 घंटे के भीतर चोरी के इस उसका अनावरण किया गया घटना का, और इसमें मैं माल मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। और इसके लिए जो टीम ने इसकी गिरफ्तारी की है उसको पुरस्कृत कराने के लिए।